अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हम सबको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से उस स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो क्योंकि ड्यू टू अनअवेयरनेस, हम क्योंकि कानून का इतना पता नहीं होता तो हम लोग उस चीज़ से वाकिफ नहीं होते। और आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है अरेस्ट, गिरफ्तारी। तो उसके लिए हमने जहमत दी है, दोबारा बैरिस्टर जो हैं सजाद साहब एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। अलहमदुल्ला जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, सजाद खैरियत से? साहब, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि अरेस्ट क्या चीज़ है, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में गिरफ्तारी कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को बताइएगा। गिरफ्तारी सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि किसी को भी फिजिकल कस्टडी में लेना। जब पुलिस किसी को फिजिकल कस्टडी में लेती है, कोई भी अगर फिजिकल कस्टडी उसकी करटेल कर देता है, उसकी लिबर्टी जो है करटेल कर देता है, उसका मूवमेंट स्टॉप कर देता है, इसको गिरफ्तारी कहते हैं। तो क्या ये पुलिस जो है बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, या वारंट का होना बहुत ज़रूरी है? असल में बेसिकली इसके लिए दो चीज़ें होती हैं। ऑफेंस जो है ना, जो जुर्म होता है वो दो होता है, एक कॉग्निजेबल होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसको काबिले दस्त अंदाजी पुलिस कहते हैं। तो पुलिस उनमें, यानी कि दस से दस कहते हैं हाथ को, काबिले दस्त अंदाजी पुलिस के पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है कुछ, क्योंकि उसमें फिर इतना मौका नहीं होता, मुलजिम आगे पीछे भाग गया कुछ भी। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है, ये इसको जाब्ते फौजदारी जो है ना पाकिस्तान में, वो इसको डील करता है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बगैर वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें फिर बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसके लिए फिर मैजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ेगा। फिर कॉग्निजेबल, सिंपल सी ये मैं आपको बता दूं कि जो हीनियस किस्म के क्राइम होते हैं, बड़े क्राइम है, डकैती है, चोरी है, कत्ल है, ये होंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो हल्की नौइयत के होंगे, जैसे आप कहने किसी कोई जिनकी नौइयत बिल्कुल हल्की होगी, सिविल नेचर के होंगे, तो उनमें पुलिस को फिर जो है ना वो वारंट लेना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर हम लोग वो फिल्मों में देखते थे ना कि वो आ रही है पुलिस, आ रही है दबड़ दबड़ दबंग टाइप, तो वो जी आपके पास वारंट है, आपके पास सर्च वारंट है, तो जी, ये मतलब है कि क्या है कि जी घर में वो आके ये कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। जी बेसिकली ये होता है कि पुलिस इसके अलावा कौन सी सूरतें हैं जिनमें गिरफ्तार कर सकती है बगैर वारंट के भी, क्योंकि पुलिस को ऐसे तो अगर इख्तियारात दे दिए जाए तो सबको ही पकड़ ले जाके, तो फिर उसके लिए जाब्ता फौजदारी में जो सॉरी इसको डील करता है सेक्शन, वो 54, 55 और 57 है, जिसमें ये बताया गया है पुलिस को इख्तियारात दिए गए हैं कि बगैर वारंट के हम किस सूरत में गिरफ्तार कर सकते हैं। तो वो हम इनको वेवर्स को बता देते हैं कि, तो सबसे पहले ये होता है कि जो मैंने अभी पहले जिक्र किया कि कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस हुआ है तो पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरी सूरत ये होती है कि अगर कोई डिजर्टर है, जैसे आर्म फोर्सेस से कोई भागा हुआ है, तो पुलिस उसको भी जाके गिरफ्तार कर सकती है बगैर वारंट के, उसके लिए भी वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा जो है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी किसी पर्सन के बारे में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि फलां पर्सन जो है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करने जा रहा है, या किसी को कत्ल करने जा रहा है, या कोई ऐसा हमला करने की कोई ऐसा मनसूबाबंदी कर रहा है, तो उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है बगैर वारंट के, क्योंकि जब तक वारंट लेने जाएगी तब तक वो कमिट कर चुका होगा, तो उसको भी गिरफ्तार कर सकती है। और तीसरा इसमें होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो मफरूर है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कानूनी जबान में कहेंगे आप, वैसे नॉर्मल ये समझ लेंगे किसी केस में, क्रिमिनल केस में नॉमिनेट था, चलते चलते उसकी बेल कैंसिल हो गई, किसी भी स्टेज पे वो भाग गया, उसको पता चला जी मुझ पे सजा लगने वाली है, अब उसका कोई पता नहीं कहाँ पे। अगर कोई भी पुलिस अफसर उसको देखता है कि ये फलां पर्सन है, यार फलां जुर्म में ये मतलूब है, भागा हुआ है, तो उसको भी पुलिस जो है ना बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और रीज़न ये हो सकती है कि कोई ऐसा पर्सन जिससे कोई चोरी का माल बरामद हो जाए, तो उसको भी पुलिस अपनी कस्टडी में ले सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए बगैर वारंट के, क्योंकि भले उसका खरीदा हुआ वो माल, उसने पैसे दे के खरीदा, वो तो बाद में इन्वेस्टिगेशन की बात है ना, कि साबित करेगा कि मैंने किससे खरीदा, रसीद है फलां ये वो, लेकिन अगर उसे चोरी का माल बरामद हो जाता है तो पुलिस उसको भी जाके गिरफ्तार कर सकती है कि भाई ये चोरी का माल था, चोरी हुई ऑफेंस कमिट हो चुका है। और थर्डली इसको कहते हैं वैगाबॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी पुलिस में, कोई पुलिस स्टेशन की हदूद में कोई बंदा रात को ऐसे बाहर घूम रहा है,
ठीक है, वेगा बॉन्ड है, वो अपनी शनाख्त पुलिस को नहीं बता रहा, अपना एड्रेस नहीं बताता कि जी मैं कौन हूँ। तो पुलिस उससे पूछती है, अभी आप यहाँ कोई ऐसी अपने वहां रहने की रीजन नहीं बता सकता, वजह नहीं बता सकता, पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर सकती है। और आखिर में ये कहूँगा कि मैं कोई एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसने मतलब पहले भी पुलिस को डिफरेंट जराइम में मतलूब रहा, फिर पुलिस से कस्टडी से यानी कि बेल वेल कराई चला गया, फिर वो नजर आता है वहां पे कहीं हैबिचुअल ऑफेंडर है, रात को कहीं नजर आया, पुलिस पूछती है कि भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको भी गिरफ्तार कर सकती है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास से हाउस ब्रेकिंग एलिमेंट पड़े हुए हों कि भाई हाँ घर को तोड़ के इसने चोरी करनी है या कुछ करना है, तो पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर सकती है कि भाई आपके पास ये सामान या आपके हाथ में लेके जा रहा हो मकान तोड़ने या मकान को अंदर घुसने के लिए कोई वो जगह बनाने, ऐसा कोई अगर औजार बरामद हो जाता है तो पुलिस उसको ये भी ना हो कि गिरफ्तार। किसी मजदूर को पकड़ के ले गए, बेचारा दिहाड़ीदार है ऐसे कि वो गेंती पे बेचता रखा हुआ, तो पता चलेगा जी वो उसके ऊपर वो लगा ये दिए। फिर वो उसमें फिर उसको रीजन बतानी पड़ेगी ना कि मैं मजदूर हूँ, पता चल जाता है कि भाई कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ काम कर रहा था, क्योंकि पुलिस स्टेशन में तो पुलिस को पता होता है ना कि यहाँ कहाँ पे काम हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि उनके अपने एक फोर्स अलग से भी होती है जो पुलिस घूमती है, इंटेलिजेंस जराये से भी पता चल जाता है कि हाँ फलां जगह पे काम आ रहा है या मजदूर है। लेकिन अगर हो ही एक हैबिचुअल ऑफेंडर, चार दफा चोरी में पकड़ा जा चुका हो, फिर उसके हाथ में गेंती हो, रात का टाइम हो, घर के पास खड़ा हो, वो तो ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। दूसरा एक वो सर्च वारंट का जो है ना, वो थोड़ा सा उसके ऊपर बता दीजिएगा कि जी ये सर्च वारंट क्या है, कि जी हर कोई रोक रहा होता है कि जी वही सर्च वारंट आया तो घर में आ जाए, सर्च वारंट आया तो ऑफिस में आ जाए। सर्च वारंट बेसिकली ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर बंदा जो है पाकिस्तान का बाय बर्थ ही, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इज्जत दी है, एक मकाम दिया है, जो एक मैन की डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट किया है। इस तरह नहीं है कि कोई भी पुलिस अफसर आता है जी घर में घुस जाए, तो एक जो घर है उसका वो एक इज्जत का मकाम है। तो सर्च वारंट का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर घर में अगर उसने सर्च करनी है कोई चीज़ तो मैजिस्ट्रेट से वारंट लेके आएगा, वो आके बाहर बुला के दिखाएगा कि मेरे पास आपके घर के सर्च वारंट है। और उसमें भी फिर जो तरीकाकार ये होगा कि अगर वो बताएगा कि मेरे घर में पर्दा नशीन लेडीज़ हैं तो लेडीज़ पुलिस साथ लेके आएगा, अकेले पुलिस वाले नहीं आ सकते। फिर वो जो लेडीज़ पुलिस हैं वो उनको बताएंगे कि जी आपकी जो पर्दा नशीन लेडीज़ हैं उनको घर से अलहदा कर दें, घर के अंदर ही, और जो मर्द हैं हजरात वो उनको आप साइड पे कर दें, ताकि वो मर्द हजरात को पुलिस वाले चेक कर सकें और जो लेडीज़ हैं वो लेडीज़ को जाके चेक करें, और इस तरह से घर की सर्च जो है ना वो उसको मुकम्मल करेंगे। ये तरीकाकार है जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी हमारे व्यूवर्स को। तो लास्ट पे व्यूवर्स मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं फैमिली के साथ या बच्चे जाते हैं, तो कोई ना कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने साथ रखें, शनाख्ती कार्ड साथ रखें, कोई ना कोई ऐसा प्रूफ आपके पास होना चाहिए ताकि आप इस किस्म के मिसहैप से बच जाएं, क्योंकि ज़्यादातर यंग नेशन जो है वो रात को घूमने फिरने जाते हैं या बाइक्स पे होते हैं, तो आपके लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आपकी कोई ना कोई आईडीज़ आपके पास होनी चाहिए ताकि आप प्रूफ कर सकें अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको रोकती है तो आप उनके साथ कॉपरेट करें, जो भी वो पूछते हैं उनके सवालों का जवाब दें। और लास्ट पे अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर एक दफ़ा मैं कहूँगा कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला दरपेश है और आप हमसे राय लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।